लेना बैंक विकलांगों को लोन देगा। लोन मिला सिर्फ विकलांगों के लिए हैं? लोन मिला सिर्फ विकलांगों के लिए? लेकिन मैं तो खाते पीते अच्छे घर का आदमी हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, अब मैं विकलांग कैसे बन सकता हूँ? विकलांग बनने में कहाँ देर लगती है भैया। अरे भैया लेना बैंक का पता बताना। आज लेना बैंक आ गया मैं लेने के लिए। अरे लेना जरा देना। ओ भाई साहब लाइन इधर है। लाइन कहाँ है लाइन? अरे इतनी लंबी लाइन है दिखाई नहीं देती क्या? नहीं दिखाई देती भैया, अंधा हूँ ना, अंधों की लाइन कहाँ है? अरे पीछे जा, ये तो कॉमन लाइन है, जा। कॉमन लाइन है? हाँ। अरे क्या हो गया हमारे देश को, राशन की लाइन, दूध की लाइन, ट्रेन की लाइन, घासलेट की लाइन, बस लाइन लाइन लाइन, लेकिन आज तक हमारा देश लाइन पर नहीं आया। तूने सायरा बानो को दिलीप कुमार दिया, जया भादुड़ी को अमिताभ बच्चन दिया और काजल को अजय देवगन दिया, मगर मुझे क्या दिया? पूरे 19 साल 3 महीने 11 दिन हो गए, अब तक कुंवारी हूँ। हे गणपति प्लीज प्लीज गिव मी वन पति। प्रभु सुबह सुबह ये शोरूम के बाहर दिलवाले दुल्हनिया को पटाने के लिए कार लेकर खड़े रहते हैं, पर हस्बैंड नंबर 1 आज तक नहीं मिला। देखा गणपति जी, मेरे दहेज के पैसे भी जमा हो गए। प्लीज सेंड मी वन पति बाय स्पीड पोस्ट। दीदी बाहर आशिकों की भीड़ खड़ी है, जल्दी आ जाओ। अच्छा आती हूँ। ठीक है। क्या प्रॉब्लम है आपकी गाड़ी को? मैडम मैं सवेरे 5 o'clock से ये गाड़ी लेके खड़ा हूँ, अगर एक बार आप गाड़ी टच कर देंगे तो मेरी गाड़ी लाइन पे आ जाएगी। ओके अभी टेस्ट करते हैं, लेट मी सी इट। फिर आ गए मेरी जान की दुश्मन। तेरे को बोला था ना जगह खाली करने को? ये मेरे बाप की जगह है, यहाँ से मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, समझे? ऐसा क्या, चलो शुरू हो जाओ। अरे 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 ये क्या कर रहे हो, अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, भाई से मोटर डैमेज हो जाए और तुम्हारा साइलेंसर फट जाए। हे गणपति पापा प्लीज प्लीज हेल्प मी, जल्दी मदद करने आओ। हे गणपति पापा। चल फूट ले। अरे क्यों दिन दहाड़े खुले आम फ्री फंड में महाभारत कर रहे हो? हाय हीरो क्या एंट्री मारी। अगर लड़ने मरने का इतना ही शौक है तो करगिल में जाके मरो, शहीद कहलाओगे, यहाँ मरोगे तो गधे की लीद कहलाओगे। गर्दा टेंटिंग पेंटिंग।
गए बीड़ू, क्या स्टाइल है तेरा। मैं तो तेरी फैन बन गई। तुम क्या काम करते हो? जी काम की तलाश है। समझो कि काम मिल गया। मैं आयशा और ये अपना गैरेज। आज से तुम गैरेज के गार्ड और मेरे बॉडी गार्ड। तुम यहाँ रह भी सकते हो। बोलो रेडी। जी बिल्कुल रेडी हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? कबीरा। कबीरा, तो कबीरा वेलकम टू गैरेज। थैंक यू। चलो। वाह, ये क्या सीन है? एक ही छत के नीचे गंगा जल और आबी जमजम का संगम, ये क्या चक्कर है? अरे मारा रे, बहुत मारा रे। नमस्ते भवानी दादा। पुलिस रिकॉर्ड में मुझे स्टेट रौड़ी कहते हैं। चार चार स्टेटों की पुलिस को मेरी तलाश है और ये के पिल्ले पिट कर आए हैं। एक लड़की से गैरेज खाली नहीं करा सके। हमने तो अपना जलवा दिखा दिया था भवानी दादा। पता नहीं वो छोकरी कहाँ से पकड़ लाई उस पहलवान को जो हमारी हड्डियां तोड़ गया। क्या मतलब? लगता है उसकी पिटाई तुमको ही करनी पड़ेगी। अब उसको भी उसकी मौत का सामान तैयार करना पड़ेगा। ए आयशा, कहाँ छुपा रखा है तुम्हारे बॉडीगार्ड को? बाहर निकालो उसे, निकालो। ए आयशा, बुलाओ उसे। कबीरा, बाहर वो गुंडे मवाली फिर आ गए। वो मेरा पुश्तैनी गैरेज छीनना चाहते हैं। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज क्यों रे हीरो, भवानी से डरकर वहां क्या अपनी अम्मा के पल्लू में छुप गया क्या? इधर आ, आजा आजा। आओ आओ तुमने उस मवाली को क्या बोल दिया कबीरा कि वो दुम दबाकर भाग गया? कुछ नहीं, उसे सच्चाई का पता चल गया है। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। क्या बात है शेखू? कबीरा, तुमने झूठ क्यों बोला? बस तेरे वास्ते कबीरा बना हूं शेखू। नहीं, मारा मारी के लिए। तो शेखू मियां मेरी मारपीट से नाराज है। तुमने अपना वादा तोड़ा है शेखू। जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। तेरे सर की कसम शेखू, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और मेरे पसीने की एक एक बूंद से तेरी वीरान जिंदगी में रंग भर दूंगा। तुझे स्कूल भेजोगे? हाँ, मैं कल ही तुझे स्कूल में दाखिला दिला दूंगा। थैंक यू। बारह बारह। नमस्ते जी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जाओ काम पर काम करो, काम करो, जाओ। देखा? ये ले और निकल ले, चल। ये क्या?
भाड़ा पूरा 30 रुपया है। अबे कल उठ के तू 300 रुपए मांगेगा, मैं तुझे 300 दूंगा। चल तेरे मीटर में गड़बड़ है, चल निकल ले, निकल निकल। भंकस नहीं, पूरा पैसा दे। अबे तू चतुर्भुज को भंकस बोल रहा है? मैं भंकस कर रहा हूँ, तेरे मीटर में गड़बड़ है, चल गियर बदल और निकल ले। मेरे मीटर में गड़बड़ नहीं, तेरे दिमाग में गड़बड़ है। अच्छा पकड़, एक ही मिनट पकड़, एक ही मिनट पकड़, अभी तुझे बताता हूँ किसके दिमाग में कितनी गड़बड़ है। ये जानता ना ये क्या है? मोबाइल है, मोबाइल। तो तू क्या कर लेगा? अभी बताता हूँ क्या कर लूंगा। हाँ हेलो आरटीओ, जरा जगन्नाथ जी को देना। जरा मेरी बात सुन। जगन्नाथ कौन है? मेरा साला है, मेरा साला चीफ ऑफ आरटीओ। तेरा ऑटो जब्त हो जाएगा, बारिश के अंदर पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, 6 महीने के बाद तुझे मिलेगा। हेलो जगन्नाथ, एक मिनट। हाँ क्या है भाई साहब? ये बैग पकड़ लिया, ये 10 रुपए पकड़ लाइए। मुझे माफ कर दिया, मुझसे गलती हो गई है, मैं चलता हूँ साहब। पहले से बोल रहा था काय को शान पट्टी कर रहे। नहीं नहीं मिस्टेक हो गया, मिस्टेक, सॉरी बोलता है, सॉरी बोले। सॉरी सर। हाँ चल निकल ले, निकल ले, पतली गली पकड़ के निकल ले। ये कौन है? ये तो चतुर्भुज है, यहाँ का हेड मिस्त्री। ये बहुत अजीब पिस्टन है। क्या मतलब? बस देखते जाइए, ये तो आइटम है, आइटम। भागा तुम, दबा के भागा। एक साला नकली फोन, एक नकली फोन आदमी को साला कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। ये कौन? इधर आ, इधर आ। अबे मैं बुला रहा हूँ, मैं चीफ मिस्त्री चतुर्भुज। इधर आ, गाड़ी को उंगली नहीं करने का। इधर आ, इधर आ। नहीं आता है? ठीक है मैं आता हूँ। चतुर्भुज जी, कबीरा है, कबीरा। अरे कबीरा हो या फकीरा, ए गाड़ी को हाथ नहीं लगाने का। किसको पूछ के गाड़ी को हाथ लगाता है? मालकिन किधर है? मालकिन वो तो मंदिर गई है। मंदिर गई है? देखे इधर का हेड मिस्त्री मैं हूँ, समझा? पकड़ इसको, पकड़। अरे पकड़। क्या समझता है आपने आपको? दो दिन बाहर क्या गया, गाड़ी खोलने लग गया, चिरकुट। अबे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? अबे तू उंगलियां घुसेड़ कर आंखें फोड़ डालूंगा तेरी। हंस रहा है तू? मुझ पे हंस रहा है? अबे तूने मेरा गुस्सा देखा नहीं है? तेरे मुंह के अंदर हाथ डालकर तेरी 32 बार खींच निकालूंगा, जैसे बोनेट में से इंजन बार खींच निकालते हैं। अबे 7-8 का पाना पकड़कर अपने आप को बहुत बड़ा मैकेनिक समझता? यस बॉस। चल निकल, अंदर जा और मेरे कपड़े बाहर निकाल कर धो डाल, और जब मैं नहाकर बाहर निकलू ना तो मेरी मालिश करनी पड़ेगी, तभी जाकर बनेगा तू मेरा चमचा, वो भी स्टील का। चल निकल 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 निकल। वो भवानी दादा जिसके डर से तुम्हारी पैंट ढीली और चड्डी गीली हो जाती है, वो कबीरा के पांव छूकर गया। हट, तू फेंकता है, तू फेंकता है। और मैं भवानी भवानी से थोड़ी ना डरता हूँ। अरे मैं तो अलीबाग गया था कराटे की ट्रेनिंग लेने के लिए। हट, 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 पता नहीं कबीरा तुम्हारे कपड़े धोता है कि तुम्हें धोता है। अबे कबीरा हो या जलजीरा, मैं थोड़ी ना डरता हूँ। अभी जाकर उसे औकात दिखाता हूँ। उधर नहीं, इधर। मालूम है उधर नहीं, इधर। अच्छा चिरकुट, गुरुजी ये आप क्या कर रहे हैं? आप कपड़े नहीं धोएंगे बल्कि मैं आपके कपड़े धोऊंगा। आप गुरु नहीं, आप महागुरु हैं। बच्चों ने आपके बारे में मुझे बताया, आप मुझे आप चेला बना लीजिए, अपना चेला बना लीजिए। अरे रे 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 रे, क्या कर रहे हो? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा कबीरा कान के नीचे रप करके एक दिया ना तो कान को पकड़ कर रोने लगा। मैं भीमा शंकर। मैं काली शंकर। और मैं जठा शंकर। डॉक्टर, तुम एक जाने माने प्लास्टिक सर्जन हो। ये सब रुपए तुम्हारे लिए। तुमको प्लास्टिक सर्जरी करना है? किसकी? आइए हमारे साथ। भाई साहब। भैया देश के जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर स्वामी आए हैं। भाई साहब आपकी सूरत को पहले जैसा बना देंगे। मुझे
नया चेहरा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंस्पेक्टर अभिमन्यु का पता चाहिए। डॉक्टर मेरा भी नूरानी चेहरा था, बड़े प्यार से पिताजी ने मेरा नाम रूप शंकर रखा था, रूप शंकर। आज 2 साल से मैंने अपना चेहरा शीशे में नहीं देखा, सिर्फ इस आदमी की वजह से। इस इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया है। अगर तुम तीनों मेरे भाई हो तो जाओ, पता करो अगर वो जिंदा है तो कहाँ है। मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि मौत का कलेजा भी काम उठेगा। चल। अरे ये गिर क्यों गया? ओहो 6 बज गए, तभी मैं सोचूं मेरे हाथ पर हिलने क्यों लगे। जब से ये कबीरा आया है तब से मेरी ऊपर की कमाई बंद हो गई, पटाना पड़ेगा। गुरुजी, गुड इवनिंग गुरुजी, जरा 50 रुपए देना। दारू पीना है? अरे नहीं नहीं, क्या बात करते हो, मैं और दारू? अरे नहीं नहीं, पर दवाई के लिए 50 रुपए, सिर्फ दवाई के लिए। दारू के लिए पैसा नहीं मिलेगा? अरे कैसे नहीं मिलेगा, मैडम तो देती थी मेरे को। तो मैडम से मांग ले। अरे मैडम से मैं कैसे, मैडम को कहा तो मैडम ने कहा आपसे ले ले। दारू के लिए पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ दारू बंदी है। दारू बंदी तो फिर काम बंदी, ताला लगा दूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तू इनकलाब कर या मुर्दाबाद, तुझे पैसा नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा गुरुजी, जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल लगता है ना, वैसे मुझे चलाने के लिए दारू लगती है। अगर मुझे दारू नहीं मिलेगी तो मेरा चक्का जाम हो जाएगा गुरुजी। मुझे जाम चक्का खोलना आता है। मुझे नहीं करनी नौकरी, मेरा हिसाब कर दो। हिसाब? मेरा हिसाब कर दो बस। तू ऑलरेडी 2000 रुपए एडवांस ले चुका है। अरे फिर तो फिर मेरे प्रोविडेंट फंड का क्या, ग्रेच्युटी बोनस उसका क्या भैया? ये प्राइवेट गैराज है, सरकारी दफ्तर नहीं, पैसा नहीं मिलेगा। हाँ तो फिर मैं यूनियन में जाऊंगा। तू यूनियन में जा या में, नो वर्क नो पे। अरे लात मारता हूँ ऐसी नौकरी को। उससे पहले मैं तुझे एक लात मारूंगा। जब तक दारू नहीं छोड़ेगा यहाँ आना नहीं। अरे नौकरी छोड़ सकता हूँ, दारू नहीं छोड़ सकता हूँ, यहाँ आकर सब तोड़ डालूंगा। तू जाता ही अब। तो शेखू तुम्हारे डैडी बहुत हैंडसम है, उनको क्या पसंद है? वो मेरे डैडी नहीं है, गॉडफादर है। तुम्हारे मम्मी डैडी? खुदा के पास है। सो सैड, आई एम सॉरी। एक बात बताओगे? तुम्हारे कबीरा की फैमिली है? नो फैमिली। यू मीन अकेला है? हाँ। शेखू एक बात पूछूं? क्या? मेरे से शादी करेगा? बोल ना। मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। धत, मैं तुम्हारी नहीं कबीरा की बात कर रही हूँ। तो कबीरा से जाके पूछो ना। करेक्ट। अब तो कबीरा को प्यार का चॉकलेट खिलाना ही पड़ेगा। कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक मच्छर पूरे आदमी को बना देता है, और एक वोट जो है वो पूरी सरकार को गिरा देता है। ये एक कीला देखिए मेरे लिए क्या चमत्कार करता है। ये झटका कैसा, देखो नहीं डाली क्या हुआ? Yes. ये तो पंचर हो गया। अरे झूले लाल, हो गया बुरा। आपके साथ तो हमेशा गड़बड़ होती है। पिछली बार आपको डिसेंट्री हुई थी, उस वक्त आपने पूरा प्रोग्राम पंचर कर दिया था। बड़ी अब क्या होगा डार्लिंग? अरे डार्लिंग वही होगा जो हमें मंजूर होगा। बड़ी साई तू है कौन? अरे भेड़ा ये मत पूछो कि हम आपके हैं कौन, ये जानो यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब किसी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो उसका ड्राइवर चीख चीख कर पुकार पुकार कर एक ही नाम को पुकारता है, चतुर्भुज कहाँ है? किधर है चतुर्भुज? अरे भेड़ा तुम्हारे सामने खड़ा है, उधर किधर देखता है? तो चलो जल्दी जल्दी टायर चेंज करो। 500 रुपए लगेंगे। बड़ी चेंज करने का 500 रुपया, बड़ी लूटता है हमको। अरे भेड़ा ये कार का घर के अंदर रहता बीवी नहीं है जो आसानी से चेंज हो जाए। क्यों बीवी जी? मैं इनकी बीवी नहीं हूँ। ये भी आपका? शट अप। देखो जल्दी जल्दी टायर चेंज करो नहीं तो मेरा हस्बैंड आ जाएगा। अरे भेड़ा क्या सोचता है, जल्दी जल्दी निकाल नोट, इसका हस्बैंड आ जाएगा तो मेरा बैंड बजा देगा। ये लो 500 रुपए, बड़ी कुछ कंसेशन करो नी। अरे कंसेशन? अच्छा ठीक है, सेल टैक्स मत देना। बड़ी जल्दी करो नी।
सर गाड़ी तैयार। थैंक यू वेरी मच। चल मेरी आमा में मेरी डारे। अब आएगा मजा। एक किला ने इस कड़के की कड़की दूर कर दी। 500 रुपए की देशी दारू पियूंगा, देशी मुर्गा खाऊंगा और पूरे शहर की गाड़ियों के टायर पंचर कर दूंगा। देख दीदी, स्टैंड पर खड़ी कोई कार की माफिक लगती है। पता है जब हिंदी फिल्मों में किसी लड़की को प्यार हो जाता है तो वो उसके सपनों में खो जाती है। दीदी क्या सोच रही हो? नट बोल्ट, लगता है मुझे प्यार हो गया यार। दीदी कितना परसेंट? 50% मेरी साइड से। और उधर से? 0, स्टार्ट ही नहीं लेता। एक्सीलेटर दिया? दिया, पिकअप ही नहीं लेता यार। दीदी आइडिया से काम लो। कहाँ से लाऊं रे आइडिया? फिल्मों से। हीरोइन अपने हीरो को कैसे पटाती है? कैसे फसाती है? भंग पिला के। यस दीदी, दूध में भंग मिलाकर पिलाओ चकाचक, फिर देखो हंगामा। कितना काम करते हो कबीरा? काम की पगारी तो खाता हूँ मैडम, पर खाने के साथ पीना भी तो जरूरी है ना। लो दूध पियो। जी मैं दूध नहीं पीता। दूध नहीं पियोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जी? मतलब सेहत का हेल्थ टॉनिक है ये, पीना जरूरी है। प्लीज पी लो। नहीं जी, जी मैं नहीं पीता। मेरे लिए पी लो प्लीज। टॉनिक तुम्हें भी पीना चाहिए। नहीं 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 नहीं, तू पियो। अरे ना ना ना, हेल्थ इज वेल्थ, दोनों को पीना चाहिए। नमकीन बड़ी बहु सोनी कुड़ी, नमकीन बड़ी, नजरों से बहुत कुछ कह गई रे। मेरा सड़के काल जा, काल जा, सड़के काल जा, रह गई रे, मर गया मैं लोगो। जब पास मेरे वो आती है, हाय दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जब पास मेरे वो आती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार दीवाना कर गई रे। मेरा कड़के काल जा, काल जा, कड़के काल जा, ले गई रे, मर गया मैं लोगो। हाय मिलने के बहाने बनाने लगा, मुझको मुझसे ही चुराने लगा। मिलने के बहाने बनाने लगा, मुझको मुझसे ही चुराने लगा। मुझे देख के निशानी शुरू करके कहानी, मेरे नाम पे आए बढ़ गए रे।
तू कीला नहीं तू खंजर है, करता टायर तू पंचर है। अभी तक कोई क्यों नहीं। यस। अरे ये मेरी गाड़ी भी पंक्चर हो गई। सर पंचर बना दूं, एक पंचर का 200 रुपया। तुम कौन हो? अरे गाड़ी चलाते हो और हमारा नाम नहीं जानते हो? नाम हमारा है चतुर्भुज, पंचर रिपेयर एक्सपर्ट। अच्छा तो तुम वही आदमी हो जो लोगों की गाड़ियाँ पंक्चर करते हैं? पंचर वो कीला करता है, मैं सिर्फ रिपेयर करता हूँ। अच्छा तो यही है वो कीला जिसे तुम सड़क पर फेंकते हो और लोगों की गाड़ियाँ पंक्चर करते हो? हाँ करता हूँ, आप क्या कर लोगे? CID इंस्पेक्टर OP मिश्रा नाम है मेरा। बहुत पब्लिक कंप्लेन है तुम्हारे खिलाफ। अब तू चल पुलिस थाने में। किधर चला गया वो? आज 2 साल हो गए बापू को मरे हुए। अभिमन्यु कहाँ गायब हो गया होगा? पता नहीं, उसे जमीन निकल गई, आसमान खा गया। अरे धूम दबाकर भाग गया होगा आप लोगों के डर से, टेल बिटवीन लेग रन अवे। सर मीरठ में मेरे बेटे का यज्ञ पवित्र है, थर्ड सेरेमनी, थोड़ा सा रोकड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वर्दी के मारो, कितना पैसा लुटा चुका हूँ तुझ पर। शर्म नहीं आती तुझे पैसा मांगते हुए? नहीं सर, मेरा बाप मर गया, वो भी मनु मेरा चेहरा चलाकर चला गया, आज भी हर पल मेरी आत्मा चल रही है। दबा जाए यहाँ से, जब तक कभी मनु का मरा हुआ चेहरा नहीं देखूंगा तुझे एक पैसा नहीं दूंगा। मुंह कर कर। सर बिल्कुल मत देना, किसने पैसे मांगे फिक्र नॉट। चल पीछे चल। सुनो कमिश्नर साहब को फोन करो कि आतंकवादियों ने बच्चों को किडनैप कर लिया है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो बम से पूरे स्कूल को उड़ा देंगे। चल जल्दी कर, चल जल्दी कर। कमिश्नर साहब मैं केडीजे स्कूल से बोल रहा हूँ, आतंकवादियों ने स्कूल के बच्चों को किडनैप कर लिया, जल्दी आइए। अरे रे रे शकुमिया, टिफिन बॉक्स भूल गए। ए पीछे हटो, पीछे हटो। क्या हुआ सर? कुछ स्कूल के बच्चों को आतंकवादियों ने बंदी बना लिया, प्लीज जाइए आप यहाँ से। कोई अंदर आने की कोशिश ना करे, मैं ये बॉम्ब अंदर लगा रहा हूँ, अगर जल्द ही हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो बच्चों की धज्जियां उड़ जाएंगी। Thank you.
लेना बैंक विकलांगों को लोन देगा। लोन मिला सिर्फ विकलांगों के लिए। हैं? लोन मिला सिर्फ विकलांगों के लिए? लेकिन मैं तो खाते पीते अच्छे घर का आदमी हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, अब मैं विकलांग कैसे बन सकता हूँ? विकलांग बनने में कहाँ देर लगती है भैया। अरे भैया लेना बैंक का पता बताना। आज लेना बैंक आ गया मैं लेने के लिए। अरे लेना जरा देना। ओ भाई साहब लाइन इधर है। लाइन कहाँ है लाइन? अरे इतनी लंबी लाइन है दिखाई नहीं देती क्या? नहीं दिखाई देती भैया, अंधा हूँ ना, अंधों की लाइन कहाँ है? अरे पीछे जा, ये तो कॉमन लाइन है, जा। कॉमन लाइन है? हाँ। अरे क्या हो गया है हमारे देश को? राशन की लाइन, दूध की लाइन, ट्रेन की लाइन, घासलेट की लाइन, बस लाइन लाइन लाइन, लेकिन आज तक हमारा देश लाइन पर नहीं आया। इंस्पेक्टर इधर ही आ रहा है। भाग भैया भाग। अजा 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 कौन है भैया, किसने मुझे पुकारा? मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। अजा क्या नाम है तुम्हारा? अंधा अंधा कानून। नहीं तो कानून कभी अंधा नहीं होता है, ना ही वो लंगड़ा होता है, बहरा नहीं होता है, अपाहिज तो हो ही नहीं सकता है। आप कौन हैं? मैं कानून का बेटा हूँ, इंस्पेक्टर चोटियाल। ओ कानून तो मेरे लिए अंधे की लाठी है। ये क्या है? ये है कानून का डंडा। कानून का डंडा बहुत छोटा है। हाँ कानून का डंडा छोटा है मगर कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। क्या काम करते हो? अंधा हूँ, भीख मांगता हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें भीख मांगते हुए? अरे क्यों शर्म आएगी मुझे भीख मांगते हुए, जब हमारे देश के नेता हाथ जोड़कर दोनों पैरों पर खड़े रहकर आंखें होने के बावजूद वोटों की भीख मांगते हैं तो एक अंधा नोटों की भीख नहीं मांग सकता। वाह वाह क्या डायलॉग मारा है तुमने। अच्छा आओ आओ मेरे साथ आओ, फिल्म लिखवानी है। अच्छा चलिए लिख देते हैं उसमें क्या। हाँ जामलानी ये अंधा कानून है, इसे लोन दे दो। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या? अंधा कानून है? जी जी। और माँ का नाम? गंगा। गंगा मेरी माँ का नाम और बाप का नाम हिमालय। तुम्हारी माँ कहाँ है? क्यों साहब मेरी माँ गंगा मैली हो गई साहब। तुम अंधे हो? जी। कब से? बचपन से साहब। मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना पड़ेगा। टेस्ट? ये क्या करने वाला है? ये तो अंधा नहीं है। जा पकड़ो पकड़ो, अरे कोई मोटे को पकड़ो। लेने के देने पड़ गए भैया। अरे भाई इसे पकड़ो, ये अंधा नहीं है, इसे जो पकड़ेगा उसे मैं डबल लोन दूंगा। लोन? अरे भाई ये क्या हो रहा है? आए क्यों गिराया बेचारे को गड्ढे में? देखा नहीं वो मुझ पर लाइन मार रहा था। यानी जो तुम पर लाइन मारेगा उसको तुम गड्ढे में गिराओगी? सिर्फ एक को छोड़कर। हाँ मैं गाड़ी का टायर लेकर आता हूँ। सर ऐसी चीज आपको पूरे बॉम्बे में नहीं मिलेगी। अरे मेरा नाम भी पीके रोकड़े है, अगर चीज पसंद आ गई ना तो मेरठ से बॉम्बे ले जाऊंगा। ओके सर बेस्ट ऑफ लक। हाँ ओके बाय बाय।
सर मैं रोकड़े बोल रहा हूँ मेरठ से। हाँ बोलो। रूप शंकर जी, 1,00,000 रुपए की खबर दे रहा हूँ। मैंने आपके दुश्मन अभिमन्यु को देखा है, सीनियर एनिमी अभिमन्यु हियर। कहाँ देखा है? यहाँ मेरठ में। सुन रोकड़े, मुझे अभिमन्यु चाहिए और वो भी जिंदा। मैं तुझे दौलत से तोल दूंगा। ओके सर। अरे हेलो, हाँ माधुरी जी, नमस्ते। शादी मुबारक हो, शादी मुबारक हो। कैसी? मैं यहाँ पे नहीं था भाई साहब। एक मिनट था, एक्सक्यूज मी, वन मिनट। क्या है? क्या स्कोर है? स्कोर? अबे ये ट्रांजिस्टर है, मोबाइल फोन है, चल भाग। मैं यहाँ पे नहीं था, नहीं तो मैं जरूर आता। 1,000 फूलों का गुलदस्ता लाता। नहीं एक्सक्यूज मी भाई साहब, जरा सुनिए तो मेरी बात। क्या है ये? मेरे पास 500 का नोट है, जरा असली है नकली आप बता सकते हैं? यार तूने मुझे क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समझ के रखा है? चल भाग भाग। हमें तो ये छोड़िए, डॉक्टर ने, डॉक्टर साहब को कैसा लगा हमारा हिंदुस्तान है? अच्छा बात है, वेरी हैप्पी फॉर यू मैडम। अरे स्कोर बाद में सुनिएगा भाई साहब, प्लीज। एक मिनट प्लीज भाई, मैं 5 मिनट फोन करता हूँ। क्या है? ये 500 का नोट है, असली है नकली, जरा आप बता सकते हैं प्लीज? अरे भैया बहुत ही आसान तरीका है, उसे फाड़ो। अगर नोट फट गया तो नकली है, और नहीं फटा तो असली है। क्या आइडिया दिया है, वाह यार ग्रेट। अच्छा। एक काम कीजिए ना, आप ही फाड़ के दिखाइए ना। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं फाड़ लीजिए ना। अच्छा फाड़िए, पकड़। ले नकली है ये, तेरा ही नोट था। स्टूपिड इडियट नॉनसेंस। मेरा नोट था? काम नहीं आती। मोबाइल से माधुरी दीक्षित से बड़ी बड़ी बातें करता है और जेब में नकली नोट रखता है। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया तूने, आइंदा असली नोट रखना। सॉरी अजय, मेरा ही नोट था, मैंने अपने हाथों से फाड़ दिया। एक ही बचा था, वो भी फाड़ दिया। ए चिरकुट। लड़की के पाँव में पायल बांधने का मतलब जानते हो? जानता हूँ। I'm not afraid.
से मार जवानी जोर मैं तो फंसी फंसी कहाँ हूँ? खटिया पर। खटिया कहाँ है? गैरेज में। गैरेज कहाँ है? मैडम अब तुम गई काम से। सच में मैं तो गई काम से। इस तरह सपना मत देखा कीजिए। हाय, बिना सपनों की जिंदगी में क्या है दम। हे दारू की देवी, तू ग्रेट है लेकिन इस वक्त खाली मेरा पेट है। तू भी खाली और मैं भी खाली। अरे सत्यानाश हो उस कबीर दास का, कहां से गैरेज में आ गया, मेरी हमेशा के लिए छुट्टी कर दी। 24 घंटे हो गए तेरे दर्शन नहीं हुए। दारू की देवी, एक बाटली का सवाल है, बस एक बाटली का सवाल है, जुगाड़ कर दे, जुगाड़ कर दे। पता नहीं कहां से बेवड़े चले आते। ये बेवड़ा होगा तेरा बाप। अबे तू क्या जाने बेवड़े का स्वाद, बासी केवड़े। ₹100। अरे दारू की देवी, तूने मेरी सुन ली? ये 100 का नोट नहीं है, ये तेरा वरदान है। और सामने दारू की दुकान है, चलता हूँ मैं। इस आदमी को कहीं देखा है क्या? नहीं, बड़ा मिस्त्री छुट्टी पर गया है। सुन रोकड़े, मैं गुजरा काल छोड़ आया, मुझे इस आज में जीने दे। अभिमन्यु को दोबारा जिंदा मत करना। अगर अभिमन्यु जिंदा हो गया तो सुल्तान को जिंदा होना पड़ेगा, और तू तो जानता है सुल्तान मौत का दूसरा नाम है। जा। भैया भैया देखो भैया, अखबार में न्यूज छपी है, रोकड़े मर गया, मेरठ में रेल के नीचे कटकर उसने सुसाइड कर लिया। नहीं, ये झूठ है, रोकड़े का मर्डर हुआ है। रोकड़े ने फोन पर बताया कि उसने अपनी मनियू को मेरठ में देखा है। उसने अपनी मनियू को पकड़ा होगा,
लेकिन अभिमन्यु ने रोकड़े को मारकर पटड़ी पे डाल दिया। पूरा मेरठ छान मारो और पता करो कि वो कहाँ है। जाओ। अरे अब भाई साहब बहुत बड़ा है, आधा इधर दे सकते हो क्या? अबे जावे नशा कोटी मत कर, जा 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 जा। कमाल का आदमी है, जावे पूरी पी जाएगा चिरकुट। भाई साहब क्या है टाइम क्या हुआ? अबे मुझे क्यों पूछता है, जा इसे पूछ। भाई साहब टाइम कितना हुआ? एक मिनट, छह बज के पैंतीस मिनट। थैंक यू। कमाल है, इनके हाथ में घड़ी भी नहीं है, पूछ उठाई और समय बता दिया। भाई साहब आपके हाथ में घड़ी भी नहीं है, आपने सिर्फ गधे की पूछ उठाई और समय बता दिया, वो कैसे? नो प्रॉब्लम। अच्छा। मेरी जगह पर लेट जाओ, अपने आप टाइम पता चल जाएगा। अच्छा आइए हटिए, मैं लेट जाता हूँ। लेकिन ये लात तो नहीं मारेगा ना? ना अपने भाई को पहचानता है। अच्छा उनको पूछ उठाकर सामने की घड़ी को देखकर आप टाइम बताते हैं। ये तो मेरा कंप्यूटर ब्रेन है। अरे भाई साहब आप इन्हें पहचानते हैं? इनसे पूछो। भाई साहब आप इन्हें पहचानते हैं? क्या हुआ? अरे इसी की वजह से तो मैं यहाँ हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ मिलेगा ये? अरे ये गैराज में होगा, किसी गाड़ी को रिपेयर कर रहा होगा। अच्छा आप इनका पता बताएंगे? अरे भाई कितनी बार बोला भैया ये अभिमन्यु नहीं है, ये कबीरा है, कबीरा। अरे मेरे बाप, जो तुम्हारा कबीरा है वो मेरा अभिमन्यु है। मुझे पता, बताओ वो कहाँ रहता है? बताता हूँ। ओह दारू मत पियो, पहले ये बताओ कहाँ रहता है वो? अरे दारू नहीं पीऊंगा तो बत्ती कैसे चलेगी? बत्ती नहीं चलेगी तो आपको पता कैसे बताऊंगा? अरे बेहोश होने से पहले तुम्हारे कबीरा का पता तो बता दो। मैं उड़ रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ उड़ो, उड़ते उड़ते हम उनके यहाँ पहुँच जाएंगे। कोई फायदा नहीं है दारू पिलाने का, कुछ नहीं हुआ, शेरनी लगा। अब मालूम नहीं कबीरा को कहाँ ढूंढूंगा मैं। कबीरा तेरे कितने रूप, कहीं छाओ तो कहीं धूप। कबीरा भैया, कबीरा भैया, शेखू के पेट में दर्द हो रहा है, वो रो रहा है। क्या हुआ शेखू? कबीरा, कबीरा शेखू को बहुत तकलीफ। चलो जल्दी हॉस्पिटल चलो। ये जो इसके दर्द है वो अपेंडिक्स का है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा मुझे। कितना खर्च होगा डॉक्टर साहब? 20,000। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, पैसों का प्रबंध हो जाएगा। मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ, आप ले आइए। कबीरा तुम शेखू के पास रहना, मैं दवाई लेके आती हूँ। I'm very sorry, madam. ये लीजिए आपकी दवाई। Thank you. Mister, ये आपकी फोटोग्राफ, आपकी है ना? Thank you very much. क्या हुआ? वो क्या पूछ रहा? कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही टकरा गई थी। ये डिब्बा क्यों खोल दिया? इसके खुलने का टाइम आ गया, ये पैसे मैं अपनी शादी के लिए जमा कर रही थी। पर आज इनसे शेखू को ऑपरेशन होगा। फिर तुम्हारी शादी का क्या होगा? क्यों, तुम किस मर्ज की दवा हो? आशा तुम मेरा गुजरा हुआ कल नहीं जानती। जो गुजर गया उसका क्या, मैं तुम्हारे साथ आने वाला कल संवारना चाहती हूँ। हाँ अनिल कपूर जी, हाँ परसों शूटिंग है। नहीं नहीं पेमेंट मिल जाएगा। हाँ हाँ ओके ओके अनिल जी, थैंक यू। भाई साहब आप भी मेरे जैसे हैं? मतलब? मेरा मतलब है कि ये असली है या नकली है? असली है। अच्छा भाई साहब दो सिगरेट देना। ये तो असली है।
और मेरे पास नकली, क्यों ना ले लूं। जा। अरे मेरा मोबाइल, भाई साहब वो आदमी ओरिजिनल मोबाइल फोन। अब मैं माधुरी दीक्षित से वाकई में बात कर सकता हूँ। हेलो चतुर्भुज स्पीकिंग। लुच्चे लफंगे चोर, मेरा फोन चुरा लिया। हाँ लुच्चे लफंगे, ये चोर ने तेरा फोन चुरा लिया, क्या कर लेगा तू? मैं कुछ नहीं करूंगा, अब तू ही करेगा। चिल्ला बच्चे, बहुत चिल्ला, और भी चिल्लाएगा जब तेरा बिल आएगा। अबे सुन, तेरे हाथ में जो फोन है वो फोन नहीं, तेरी मौत है मौत। उस मोबाइल के अंदर बम है। क्या बोला? तू फोन बंद करेगा तो बम फटेगा, और फेंकने की कोशिश करेगा तो भी बम फटेगा, समझे? तो मैं क्या करूं भैया, मैं क्या करूं? चुपचाप पुलिस स्टेशन जा और फोन पुलिस के हवाले कर, समझे? हेलो, हे भगवान, फोन बंद करूंगा तो भी फटेगा और फेंकूंगा तो भी फटेगा, वाकई मेरा बैड लक बहुत खराब है, अब क्या करूं? पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, बम, मेरे हाथ में बम है। अरे अंधा कानून, कैसे हो? अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। कानून की आंखों के सामने से पट्टी हट चुकी है, अब कानून देख सकता है सरकार। अच्छा अच्छा, तो लोन के पैसे से आंखें और ये मोबाइल फोन मिला। मैं बहुत खुश हूँ कि अब कानून अंधा नहीं रहा। लेकिन कानून की जान को बहुत बड़ा खतरा है सरकार। अरे डरो मत, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। अरे सिर्फ मुझे नहीं, पूरे पुलिस स्टेशन को खतरा है, क्योंकि मेरे हाथ में जो मोबाइल फोन है ना, वो मोबाइल फोन नहीं है बल्कि एक बॉम्ब है। बॉम्ब, मुझे छोड़कर ए अंधा कानून, रुक जाओ, जरा भी हिलने की कोशिश की तो बॉम्ब छोड़ा दूंगा। डरिए मत साहब, इसमें कोई बॉम्ब नहीं है, ये मेरा मोबाइल है, इस लुच्चे ने मेरा मोबाइल चुराया है, क्या? इसलिए मुझे ड्रामा करना पड़ा। इसमें बॉम्ब नहीं है, हाथ नीचे कीजिए, बॉम्ब नहीं है, बच गए। अच्छी बात है, आपको अपना मोबाइल आपका गम। अंधे, तूने फोन चुराया, पूरे पुलिस स्टेशन को हिलाया, अब मैं तेरी अच्छी तरह बैंड बजाऊंगा, ये देख कानून का डंडा। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, देखा ऐसा ही है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि चलते हुए रास्ते पर कोई भी चीज दिखाई दे तो लालच में आकर उसे उठा मत लेना, वाकई में अगर वो बॉम्ब निकला तो आप उड़ जाओगे, नहीं तो आपका हाल मेरे जैसा होगा। निकलो, चलिए, अबे चल अंदर जा, चलिए चलो अंदर कानून। डॉक्टर मुबारक हो कबीरा, ऑपरेशन सक्सेस हो गया है। मैं शकों से मिल सकता हूँ? हाँ, होश आने पर। ए तेरी दीदी कहाँ गई? दीदी मंदिर गई है, भगवान की पूजा करने। अरे ये क्या, कबीरा इंस्पेक्टर की ड्रेस में? भाई साहब, इसको आपने कहीं देखा है? नहीं साहब। हाँ मैं जानती हूँ, क्यों क्या बात है? ये मैं इनका पड़ोसी हूँ, इनकी माताजी बहुत सीरियस है, कभी भी उनका दिया बुझ सकता है, अगर आप मुझे उनके पास ले चलें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ मैं जानती हूँ वो इस वक्त कहाँ है। अच्छा चलिए चलिए मेरे साथ, मैं ले चलती हूँ आपको उनके पास। गाड़ी ठीक हो गया सर? ठीक है, थैंक यू। कबीरा कबीरा, तुम्हारी माँ बहुत सीरियस है। कौन बोला? वो आदमी। बहुत हो गया लुकाछुपी का खेल, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढी निकाला। यही गलती की जटाशंकर, क्योंकि अब तेरे हमेशा के लिए छुपने का टाइम आ गया है। मैंने अपने भाई से वादा किया है कि मैं तुझे मारकर तेरे मुर्दे को अपने साथ ले जाऊंगा।
क्यों अपनी मौत के बंद दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? ये दरवाजा बंद ही रहने दे। मैं तेरे भाई की लाश को पार्सल करके भेज रहा हूं। कौन बोल रहा है? वही जिसके खौफ से तूने शीशा देखना छोड़ दिया है, सुल्तान। तुम हो कौन कबीरा, और तुमने अपने आप को सुल्तान क्यों कहा? प्लीज मुझे बताओ कबीरा, मैं तुम्हारी हमराज बनना चाहती हूँ। क्या करोगी जानकर? मैं अपने पुराने कल को याद नहीं करना चाहता। तुम्हें शेखू की कसम? कसम मत दो आयशा। मेरा नाम कबीरा नहीं है, अभिमन्यु है। कभी मैं एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर था, और मेरा बाप एक हवलदार था, मगर मुझे पाल पुस कर बड़ा किया एक नेक दिल मुसलमान ने, सुल्तान, जो एक गायबान था, गरीबों का मसीहा था, सुल्तान। सुल्तान भाई, फिरोजा मेरी जिंदगी है, इसके बगैर मैं मर जाऊंगा। भाईजान, मैं अनवर से प्यार करती हूँ, मगर मेरे वालिद जबरदस्ती मेरा निकाह पूरे शेख से करवाना चाहते हैं, मगर ये निकाह नहीं, हमारी बर्बादी है। ना बहना, ना ऐसा मत कहो, इश्क तो खुदा की नेमत होती है। तुमने मुझे भाई कहा है ना, तो फिर तेरा निकाह अनवर के साथ ही होगा, ये सुल्तान का वादा है। और सुल्तान का वादा पत्थर की लकीर होता है। आओ बलराम आओ, बहुत खुश नजर आ रहे हो। साहेब खबर ही ऐसी है आप सुनोगे ना तो आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी। मालूम है मेरा बेटा अभिमन्यु वापस आ रहा है। क्या, मेरा शेर आ रहा है? कब आ रहा है? कल आ रहा है साहेब, कल। साहब आप हमारे घर आओगे ना? क्यों नहीं बलराम, क्यों नहीं, सुल्तान खुद आएगा अपने शेर का इस्तकबाल करने। हाय भाभी, आपका ये रूप देखकर तो भैया पागल हो जाएंगे। गीता, तुम्हारे भैया एक समझदार इंसान है, पागल नहीं है। अरे बहू, जल्दी से आरती सजाओ। सावित्री, अरे सावित्री, क्या कर रही हो भाई तुम, क्या कर रही हो? अरे तुम्हारे बेटे के बेटे को तैयार कर रही हूँ। अरे मुन्ना रो मत, रो मत, आज तुम्हारे पापा आ रहे हैं। सावित्री बहन, जरा देखो इसे, देखो बेटे के आने की खुशी में फूल के गुब्बारा हो रहे हैं। नमस्ते भाई साहब। अरे क्यों ना फूलू साहेब, आज मेरा बेटा आ रहा है। संभल के बलराम, जरा संभल के, तुम्हारा बेटा जरूर है लेकिन हमारा जिगर है, हमारी सल्तनत का वारिस। हाँ साहेब, हमारा बेटा जरूर है लेकिन आपका वारिस है। आपने बैसाखी बनकर हमारे टूटे पूरे परिवार को खड़ा किया है साहब, हम आपका ये एहसान कैसे चुकाएंगे साहब? अरे बलराम भाई, ये क्या हो गया तुमको? देखो फिर कभी एहसान की बात नहीं करना, हम पठान हैं, वो पठान है जो ब्याज वसूल नहीं करते। भैया आ गए, भैया आ गए। मैं जानता हूं सुल्तान भाई, मुझे इस वर्दी में देखकर आपको गहरा सदमा पहुंचाऊंगा। सदमा? तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा फरेब किया है। गुलामी का ये लिबास पहनकर हमारे सामने आने की जरूरत कैसे की तुमने? हमने तुम्हें इस तरबियत के लिए भेजा था? ये वर्दी मेरा सपना था। बचपन में बाबूजी को हवलदार की वर्दी में देखकर सोचता था कि बड़ा होकर मैं भी पुलिस ऑफिसर बनूंगा। बहुत बड़ी दगाबाजी की है तुमने हमारे साथ। जानता हूं,
मगर मुझे विश्वास है मेरी पहली खता जानकर आप मुझे माफ कर देंगे और अपने दिल से वर्दी की नफरत निकाल लेंगे। मुझे इस वर्दी से नफरत नहीं, मुझे इस सिस्टम से नफरत है जिसने इसे सांप की कैंचली बना दिया है। क्योंकि कैंचली में सांप फुनकार तो सकता है लेकिन वो दुश्मन को काट नहीं सकता। बेटा उतार दी ये वर्दी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ, ये वर्दी मेरा आदर्श है, इसे उतारने के लिए मैंने ये नहीं पहनी। किस आदर्श की बात करते हो? परसों पहले मैंने इस वर्दी को पहनकर उतार दिया था। जानते हो क्यों? दंगों में मेरे माँ बाप का कत्ल हुआ, मेरी बीवी मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया, मेरी वफा मेरी ईमानदारी चीखती रही लेकिन डिपार्टमेंट वालों ने मुझे सन के और जुनूनी का खिताब दे दिया। जिस दिन हमने अपने उन चाहितों की लाशों पर मट्टी डाली थी उसी दिन हमने इस वर्दी को भी दफना दिया था, और उसी दिन इंस्पेक्टर सुल्तान रसूल बख्श भी मर गया था, और उस कब्रिस्तान से पैदा हुआ एक नया सुल्तान, वो सुल्तान जो खुद एक अदालत भी है और एक फैसला भी। सुल्तान भाई, जो आप पर गुजरी जरूरी नहीं वो मुझ पर भी गुजरे। आपने सच्चाई से मुंह मोड़ा है, आपने एक वर्दी उतारकर एक लिबास पहन लिया है, वो भी सुल्तान का नहीं एक गुलाम का लिबास है। एक ऐसा गुलाम जो अपने जुनून में गुनाह की अंधेरी गुफा में रोशनी के जुगनू ढूंढ रहा है। किसको गुलाम कहा तूने? एहसान फरामोश, उनके एहसानों का बदला यह दिया है तूने, बेशरम। जिस बाप की वर्दी को देखकर इस वर्दी को पहनने का सपना देखा था, आपके तमाचे ने आज इस पर आपकी वफादारी की मोहर लगा दी है। इस तमाचे को मैं आपका आशीर्वाद समझूंगा बाबा। अभिमन्यु, आखिरी मर्तबा जानना चाहता हूं, तुम्हें सुल्तान चाहिए या वर्दी? वर्दी। अब नहीं जा सकते सुल्तान भाई, इस वर्दी में मेरे जीते जी तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते, और सुल्तान जबान देता है जब तक तुम इस वर्दी में हो मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा, लेकिन इस घर पर मेरी सरपरस्ती हमेशा हमेशा रहेगी। देखो बेटा, आओ। भाई साहब, यह पब्लिक टेलीफोन किधर है? उधर चौराहे पर। थैंक यू। Hey! कौन है तुम लोग? गहने निकालो। नहीं, निकालो जल्दी 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 निकाल। ये लो। और मंगलसूत्र भी। ये भी? हाँ। नहीं नहीं, ये मेरे पति इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने पहनाया है। क्या नाम बोला? इंस्पेक्टर अभिमन्यु। माफ करना बहन जी, गलती हो गई। खाली 3 दिन में आपके हस्बैंड ने हम गुंडों को हिला के रख दिया। आपके हस्बैंड ग्रेट, वेरी ग्रेट। ये लीजिए बहन जी, आप जाइए। माफ करना बहन जी। मुझे तुम पे गर्व है अभिमन्यु जी। सर, ये वीरभद्र रुद्र नारायण, अपराध की दुनिया का बादशाह, इस शहर का सारा अपराध इसी के दिमाग का फितूर है। सर, ये बड़ा बेटा रूप शंकर, ये जटा शंकर, भीमा शंकर और काली शंकर, और ये भवानी शंकर, इनकी फाइल बनाकर मुझे दे दो। यस सर। अरे, अब मुझे कहां फंसा दिया है? आप क्या समझते हो, क्या मैं ऐसा वैसा आदमी हूं? अरे, फंसा नहीं रहे तुमको परेशान, तुम्हें पैसा कमाने का रास्ता दिखा रहे हैं। अगर हम कुछ कमाएंगे तो तुम्हें भी कुछ मिलेगा ना, फिर करना क्या है तुमको? खाली अपनी टीम में से 4 लड़कों को तोड़ना है ना। श्रीनाथ को बोलो बॉलिंग नहीं करेगा, डेविड फील्डिंग अच्छी नहीं करेगा, इंडिया हार जाएगा। लेकिन सर, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बच्चों को गली में गुली अंडा खिला दो।
ए तू गुल्ली मार, ए तू डंडा पकड़। आप तेंदुलकर को जीरो पर आउट कराने की बात कर रहे हो, गांगुली को बोल रहे हो कैच छोड़ दो स्लिप में। आप मुझे छोड़ दीजिए सर, आप मुझे जाने दीजिए। अरे बैठना बुकी, बैठना, बैठ। भाई साहब आप इनको जरा समझाओ ना, ये देखिए ना क्या बोल रहे हैं। जिम्बाब्वे से, जिम्बाब्वे से इंडिया को हराने की बात कर रहे हैं। अभी मेरी बात सुनो, ये पॉसिबल नहीं ना भाई साहब। अरे बात सुनो, मुझे मालूम है तुम ये काम कर सकते हो, इसलिए तुमको यहाँ लाया। अभी ये जटा तुम्हारे साथ जाएगा, तुमको जितने पैसे चाहिए देगा, लेकिन एक बात बोल दूं, मुझे मैच मेरी जेब में चाहिए, क्योंकि 5 करोड़ रुपए लगाया मैंने। अब मेरी भी एक बात गौर से सुन ले, अगर इंडिया ये मैच जीत गया तो तू अपनी जिंदगी हार बैठेगा। जाइए, चलो जाइए। अरे चलो यार, कहाँ फंस गया, चलता हूँ। जाइए अभी, चलता हूँ। चलो चलो 5 करोड़ ले लो। चलो भाई, करेगा ये काम। जटा जी कैसे हैं आप? कैसे हो? और आपकी तारीफ। ओके ओके, जरूरत नहीं है। नमस्कार जी, नमस्कार सर। ये मैच तो आपने फिक्स कर लिया, लेकिन पुलिस जो मैच आपके साथ खेलने जा रही है उसका क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ये लीजिए, आ गए कानूनी टीम के 12th मैन, एक्स्ट्रा खिलाड़ी। भाई तुम हमें यही बताने आए हो ना कि अभिमन्यु ने हमारे खिलाफ फाइल तैयार कर ली है और वो हम पर कानूनी बाउंसर मारने के चक्कर में है। करेक्ट सर। अरे आप तो अपराध की दुनिया के 3rd अंपायर है। हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है बेटा। रूपशंकर जी, तुम इंस्पेक्टर अभिमन्यु के पास जाओ और उसे मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दे दो। उसके पैर का नाप ले आओ और उसे चांदी और सोने के जूते पहना दो। करेक्ट सर, करेक्ट। बहुत नाम सुना है तेरा इंस्पेक्टर अभिमन्यु, सोचा चलकर शेक हैंड कर ले। बहुत कम लोगों से हाथ मिलाता है रूपशंकर। इंस्पेक्टर अभिमन्यु अपराधियों से हाथ नहीं मिलाता। हाथ नहीं मिलाता, दिल से दिल मिला ले। क्यों, क्या मैं तेरा माशूक? हम लोगों में अगर आशिक माशूक का रिश्ता बना रहे तो अच्छा है, तुम्हारा थाना भी चलता रहेगा और हमारा दाना पानी भी। देखो इंस्पेक्टर, मैं हर महीने 50 लाख रुपए कमाता हूँ। 10 लाख रुपए मैं गुंडे मवालियों को देता हूँ और 10 लाख रुपए पुलिस वालों को। 30 लाख मेरा हिस्सा है। मैं अपने हिस्से में से तुम्हें 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। लगता है तू किसी की औलाद है। ए इंस्पेक्टर, ये वर्दी मुझे खैरात में नहीं, मेहनत से मिली है। और ये पुलिस स्टेशन है, कोई कोऑपरेटिव स्टोर नहीं। जानता हूं इंस्पेक्टर, जानता हूं। नया पट्टा, नया बूट और नया रंगरूट जरा ज्यादा पॉलिश मांगता है। याद रखूंगा इंस्पेक्टर अभिमन्यु, तेरे इस चांटे को याद रखूंगा। अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि ये चांटा नहीं, तेरे गाल पर मेरे नाम का सिग्नेचर है। सिग्नेचर तूने किया है इंस्पेक्टर, एग्रीमेंट मैं करूंगा, याद रखना। कभी इंस्पेक्टर सुल्तान रसूल बख्श ने हमारे गाल पर थप्पड़ मारने की गलती की थी और नतीजा क्या हुआ? हमने उसकी वर्दी ही उतरवा दी। क्यों मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो पिताजी? ताकि अभिमन्यु के दिए हुए जख्म तुम कभी भुला ना सको और उसके थप्पड़ की आवाज तुम्हारे कानों में हमेशा गूंजती रहे। हाय मेरे बाग की बुलबुल, गुले गुलजार, आज ये क्यों किया है सोलह सिंगार? इंस्पेक्टर साहब, ये सोलह सिंगार ही नहीं है, मैंने अंदर पूरा निशान पाक सजाया है। सच बताऊं जाने मान, तुम एक बच्चे की माँ नहीं लगती। वादा करते हैं इंस्पेक्टर साहब, अगले साल मैं आपके 2 बच्चों की माँ भी नहीं लगूंगी। सच? बिल्कुल सच। हाँ।
बात है, तू साथ है। क्या बात है, तू साथ है। अरे बोलो दिल क्या कहता है। दिल कहता है दिल के अंदर एक दीवाना रहता है। क्या बात है, तू साथ है। इस धड़कन में एक दीवानी आती जाती रहती है। क्या बात है, तू साथ है। क्या बात है, कहता है। क्या बात है, हाँ तू साथ है। क्या बात है, तू साथ है। सच सच बतला, क्या नींद नहीं आए। हाँ नींद नहीं आए। क्या चैन नहीं आए। हाँ चैन नहीं आए। खाना पीना ना सुहाए। खाना पीना ना सुहाए। मेरी याद सताए। तेरी याद सताए। कमाल है, कमाल है। अरे यही तो मेरा भी हाल है। हम तुम दोनों का दिल साजन प्यार से माला माल है। बात है, तू साथ है। क्या बात है, हाँ तू साथ है। अरे बोलो दिल क्या कहता है। दिल कहता है दिल के अंदर एक दीवाना रहता है। क्या बात है, तू साथ है। क्या बात है, हाँ तू साथ है। पिताजी है शौकत मियां, मेरे मिलने वाले। सुल्तान बख्श ने इसकी बेटी फिरोजा को जबरदस्ती अगवा करके किसी आवारा लड़के के साथ निकाह करवा दिया। तो हम क्या करें? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर, ये मेरी इज्जत का सवाल है, कुछ कीजिए। हाँ एक मिनट पिताजी, बात सुनिए। पिताजी मौके की नजाकत को समझिए। सुल्तान बख्श की शौकत मियां के हाथों पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। कैसी बच्चों की सी बातें कर रहे हो? तुम ये कहना चाहते हो कि अभिमन्यु सुल्तान को गिरफ्तार करेगा? हाँ ऐसा ही करवाएंगे। अभिमन्यु सुल्तान बख्शो गिरफ्तार करेगा ही, उसे करना ही पड़ेगा। पिताजी एक पत्थर से दो शिकार करेंगे, पत्थर हमारा होगा और हाथ शौकत मियां के। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको सुल्तान के खिलाफ ऐसे कंप्लेन लिखवाते हुए शर्म नहीं आती? मैं जानता हूं सर कि आप सुल्तान के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं लेंगे, लेकिन आप एक बाप के जज्बात को नहीं जानते। वो कमबख्त मेरी बेटी को उठा ले गया और एक भिखारी के साथ उसकी शादी करा दी। मैं हुजूर आपसे इंसाफ मांगने आया हूँ। अगर कानून मुजरिमों की मदद करता रहा तो हम ऐसे अमन पसंद शहरी कहाँ जाएंगे हुजूर? बस बस, आप कंप्लेन लिखवाइए, मैं देख लूंगा।
शेखमिया, ए शेखमिया, अगर तुम्हें रानी चाहिए तो इस तरह खिसका कर नहीं, उठा कर ले जाओ। आओ आओ जिगर, कैसे आना हुआ? जो खुद फाउल करते हैं वो बच्चों को खेल के कानून बता रहे हैं। सुल्तान भाई, किसी को जबरन उठाना फाउल है, चाहे वो कैरम की गोटी रहे या किसी की बेटी। देखो सुल्तान अपना कानून खुद बनाता है, इसीलिए लोग उसकी अदालत में इंसाफ का तकाजा लेकर आते हैं। मैं कानून का मुलाजिम भी इस अदालत में इंसाफ के वास्ते आया हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? आपकी गिरफ्तारी। ओहो। तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे गिरफ्तार कर सकोगे? मेरे विश्वास की बिना पर मैं आप पर हाथ डाल रहा हूं सुल्तान भाई। गलती कर रहे हो जिगर। जिगर नहीं इंस्पेक्टर अभिमन्यु, आज आपको जबरन फिरोजा को उठाने के जुर्म में अरेस्ट करेगा। इंस्पेक्टर, सुल्तान की रियासत में प्यार करना कोई जुर्म नहीं, दो दिलों को मिलाना 100 नमाजों का सवाब बनता है, इसलिए मैं कहता हूं कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। आपके खिलाफ फिरोजा के अब्बू ने शिकायत दर्ज कराई है। कसाई है उसका पाप। मैंने फिरोजा को जबान दी है कि उसका निकाह अनवर से करवा कर रहूंगा, और ये तुम अच्छी तरह जानते हो इंस्पेक्टर अभिमन्यु, कि सुल्तान अपनी जबान के वास्ते जान भी दे सकता है और कानून के वास्ते अभिमन्यु हर हद पार कर सकता है। मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। अगर तुम्हारी ख्वाहिश यही है तो ठीक है, ले चलो। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये मेरा जिगर है, मुझे सैर करवाने ले जा रहा है। चोर पुलिस का खेल खेल रहे हैं हम लोग, इसकी हथकड़ी को जंग लग रहा था। अच्छा है मेरी कलाई पे बंधेगी तो इसके दिमाग की खलई उतर जाएगी, इसे पता चल जाएगा कि कानून महज चाबी की गुड़िया है और कुछ भी नहीं। आओ। सुल्तान ने गिरफ्तार होकर तुझे इंसाफ दिया है बच्चे, लेकिन तेरा कानून मुझे ज्यादा दिन अंदर नहीं रख सकेगा। हा? कहाँ जा रही हैं? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? हाँ हाँ पुलिस स्टेशन, हकीकत का खुलासा करने। हाविन की मुखालफत करते हुए आपको शर्म महसूस नहीं होती? शर्म तो आपको आनी चाहिए, जिस खुदा की बंदे ने आपकी बेटी का निकाह कराया उसको ही आपने हवालात में बंद करा दिया। बकवास बंद करो वरना चीर के रख दूंगा। क्या है उस लौंडे की औकात, न सर पे छत है न दो वक्त की रोटी दे सकता है, क्या है उसके पास? शराफत है उसके पास, इंसानियत है और प्यार करने वाला दिल है। शराफत तो इंसानियत से पेट नहीं भरता। जहाँ मैंने फिरोजा का रिश्ता किया था वो लोग दौलत से तोड़ रहे थे तुम्हारी बेटी को। मगर मैं चुप नहीं रहूंगी। आप एक गैरतमंद बाप ना सही मगर मैं एक गैरतमंद माँ तो हूँ। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैं जाकर सारी दुनिया को बता दूंगी कि सुल्तान एक गुनाहगार नहीं बल्कि वो एक मददगार इंसान है। ये काम तो आप कब का कर चुके होते, आपने हमको कब का मार दिया होता? मगर शुक्र है इंसान इंसान की जिंदगी और मौत उस परवरदिगार के हाथ में है। अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है आप में तो पुलिस स्टेशन जाकर अपनी शिकायत वापस ले लीजिए। एक बेटी के बाप होने की हिम्मत दिखाइए। आपको पाक नमाजों का वास्ता, खुदा के कहर से डरिए, वरना मैं जहर खाकर मर जाऊंगी और बिरादरी वालों से कह दूंगी कि मेरी कब्र पर आपको मिट्टी में न डालने दें।
साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे माफी चाहता हूँ इंस्पेक्टर साहब। मैंने सुल्तान भाई के खिलाफ जो कुछ भी कंप्लेंट दर्ज कराया था वो सरासर गलत साबित हुआ। ये इंसान नहीं फरिश्ता है हुजूर। मैंने अपनी बेटी के खिलाफ जो कुछ भी आपसे कहा था वो सरासर गलत है, झूठ है हुजूर। फिर आपने कंप्लेंट क्यों लिखवाई? मैं लोगों के बहकावे में आ गया था हुजूर। मैं गुमराह हो गया था। मेरी बेटी की शादी बिल्कुल सही हुई है, उसका रिश्ता बिल्कुल सही हुआ है हुजूर। हुजूर, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए और सुल्तान भाई को छोड़ दीजिए। गलती मेरी है हुजूर। देखा सुल्तान की मां से चाबी का करिश्मा, कैसे तेरे कानून के तिलसम का दरवाजा खोल के रख दिया। चलता हूं। पिताजी, उस शौकत मियां ने किरगिर तरह रंग बदला है। पुलिस स्टेशन जाकर उसने कंप्लेंट भी वापस ले ली। सुल्तान बख्श बाइज्जत बरी हो गया। यहां तक कि उन लोगों ने सुल्तान बख्श को अपने कंधे में बिठाकर उनकी जय जयकार भी की। सुल्तान सुल्तान सुल्तान, एक नासूर बन गया है ये सुल्तान। उन्हीं दंगों के दौरान इसे खत्म कर देते तो इस सुल्तान का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता। ये सब तेरे कारण हुआ है रूपशंकर, तेरे कारण। अगर तू मुझे उसे नहीं रोकता तो सुल्तान भी दफन हो गया होता कब्रिस्तान में। आपने मेरी खातिर सुल्तान को छोड़ा या सुल्तान ने अपने बेटे की खातिर आपको छोड़ा, इसका फैसला कौन करेगा? इस सुल्तान का फैसला तो अब हम करेंगे। पिताजी, छुरी सेब पर गिरे या सेब छुरी पर गिरे, हलाल तो इसको ही होना है। अभी अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। लाइए लाइए, इधर रखिए। अरे भाई, ये सब क्या है? खिलौने और मिठाइयाँ अभी मन्नू साहब ने भेजी हैं। साहब कहाँ हैं? हम दुकान से डिलीवरी लेके आए हैं, साहब पीछे आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। गीता, गीता बेटे। हाय डैडी। बेटे, ये खिलौने अभी मन्नू ने भेजे हैं, मन्नू को ले जाकर अंदर दे दो। जी ठीक है। इंस्पेक्टर अभिमन्यू। मुबारक हो इंस्पेक्टर। सुना है तेरे मुन्ने का जन्मदिन है। कौन बोल रहा है? वही जिसके गाल पर तूने सिग्नेचर किया था। काम की बात कर रूपशंकर। काम तो कर दिया इंस्पेक्टर। तूने तमाचे का सिग्नेचर किया था ना मेरे गाल पर, मगर तू ये भूल गया कि कभी भी कोरे कागज पर साइन नहीं करने चाहिए। क्या बकता है? अरे तेरे सिग्नेचर पर मैंने तेरे परिवार की मौत का एग्रीमेंट कर दिया है। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपके घर में कुछ मिठाइयां और खिलौने भिजवाए हैं, लेकिन किसी एक खिलौने में बम रखा है। बहुत बड़े 30 मार खां समझते हो ना तुम अपने आप को। जाइए बचा लीजिए अपने परिवार को। अरे गो। क्या तूने? खिलौने के अंदर बम है। हेलो। क्यों इंस्पेक्टर अभिमन्यु, निकल गई ना पूरी हवा, बस घबरा गए? अरे भाई इंस्पेक्टर, ये तो मेरा मजाक करने का स्टाइल है। यकीन कर मैंने कोई बम नहीं रखा, मगर रख सकता था। इसे मेरी धमकी भी समझना और वार्निंग भी। आइंदा किसी भी कीमत पर मेरे काम में दखल अंदाजी मत करना, वरना तुम्हारे सामने खिलौनों के बदले तुम्हारे परिवार के टुकड़े होंगे, समझे? रूपशंकर, ये खेल तुझे बहुत महंगा पड़ेगा।
भाया माल तो खरो लागे। देखो सेठ असली हीरे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। रूप शंकर केवल असली माली रखता है। रूप शंकर बोल रहा हूँ। तेरे लिए एक बुरी खबर है। कौन बोल रहा है? इंस्पेक्टर अभिमन्यु। बोलो। तेरे भाई दया शंकर ने एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला, पकड़ा गया, भागने की कोशिश की, मेरे हाथों मारा गया। क्या पकड़ा? अगर यकीन नहीं आता तो तेरे भाई की लाश बोट क्लब से उठा कर ले जा। क्या हुआ भैया? हमारा दया मारा गया। क्या? तू इधर ही रुकना। हेलो, कौन है साहब आपका फोन? हेलो। रूप शंकर तेरे भाई का मुर्दा बदबू मार रहा था, इसलिए घर भिजवा दिया। इससे पहले कि वो ज्यादा सड़ जाए, जल्दी से घर जाकर उसका क्रियाक्रम कर दे। जिसने तुझे इतनी बेदर्दी से मारा है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, पिताजी। तो एक रूप देख, अपना चला गया। देखना पिताजी, इसी तरह आपके सामने इंस्पेक्टर अभिमन्यु की लाश होगी। खून का बदला खून। हेलो। क्यों रूप शंकर, निकल गई ना पूरी हवा? घबरा गया भाई का मुर्दा देखकर? यकीन कर, मैंने तेरे भाई को नहीं मारा, वो जिंदा है। मैंने सिर्फ बेहोशी का इंजेक्शन दिया है, 10 मिनट के बाद होश आ जाएगा। आइंदा गलती से भी मेरे साथ खिलौने वाला खेल नहीं खेलना, वरना तेरे खानदान की लाश पर रोने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये इंस्पेक्टर अभिमन्यु का चैलेंज है। सब इंस्पेक्टर रोकड़े। जी सर। ये वीरभद्र रुद्र नारायण कौन है? सर आप जानते नहीं, ये रूप शंकर उसके भाइयों का बाप है। वीरभद्र उनका बाप होगा लेकिन कानून का बाप नहीं। इस पर इतने मामले दर्ज हैं, लेकिन अभी तक इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इसी वक्त उसे गिरफ्तार करो, चलो। सर, 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 मेरी ड्यूटी आज तो मोर्चे पे है सर। मैं जानता हूं रुकड़े, तुम्हें किस मोर्चे पर जाना है, चलो। वीरभद्र पे हाथ डालने चला और मुझे कहता है चलो। अरे पागल कुत्ते ने काटा है मुझे, मैड डॉग बाइट में जो तेरे साथ जाऊंगा। जाओ वीरभद्र को बाहर लेकर आओ। यस सर। कोई है घर में? वीरभद्र जी। कौन भौंक रहा है? हाँ वीरभद्र जी, आइए बाहर, इंस्पेक्टर अभिमन्यु आए हैं। अबे जाकर बोलो से, हम महीने में सिर्फ एक बार खैरात बांटते हैं पुलिस वालों को। जा, वो आपको गिरफ्तार करने आए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? ये सब इंस्पेक्टर साहब को बोला, चलो। मेरी इतनी हिम्मत? 2% का हवलदार होकर तूने हम पर हाथ डाला, हम तेरा ये हाथ ही काट देंगे। इस
इंस्पेक्टर, तूने वीरभद्र रुद्र नारायण के गिरेबान पर हाथ डाला है, मेरे बेटे तुझे चीर डालेंगे। बुढ़े, मैं तेरे साथ तेरे पिल्लों को भी पट्टा बांधकर सरकारी दूध पिलाऊंगा। साहब साहब, वो इंस्पेक्टर अभिमन्यु अपने बड़े मालिक को पकड़ के ले गए साहब। क्या उसकी ये मजाल? आओ मेरे साथ। बाबूजी, इंस्पेक्टर, तुम हमारे पिताजी को इस तरह अंदर नहीं रख सकते। ला, ये रहे उनके जमानत के ऑर्डर। इस ऑर्डर पर शहद लगाकर चाटो और दफा हो जाओ यहां से। मेरे पास तुम्हारे बाप का गैर जमानती वारंट भी है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पिताजी मेरी कमजोरी है, मैं अपने पिताजी को इस तरह इस हालत में नहीं देख सकता। हवलदार मुकुंदराम भी किसी का बाप था। मैं वादा करता हूं इंस्पेक्टर साहब, मेरे पिताजी के साथ मैं अपने भाइयों को लेकर हमेशा के लिए शहर छोड़ के चला जाऊंगा। तेरा बाप एक कातिल है और तुम सब मुजरिम हो। जब तक तुम्हारे बाप को सजा नहीं होगी, भूल कर भी यह शहर नहीं छोड़ना, वरना तुम्हारे बाप की वो हालत करूंगा, ना तुम उसको पहचानोगे और ना ही वो तुमको पहचान पाएगा। भैया, भौजी का क्या होगा? हम आज रात फैसला करेंगे। कम ऑन आरिया। ये तो खत्म हो गई। पिताजी, आपकी चिता की कसम, हम इंस्पेक्टर अभिमन्यु को बता देंगे कि बाप की मौत का दर्द क्या होता है। मौत का बदला मौत और बाप का बदला बाप। भाभी जी, be happy, आपके पतिदेव आ जाएंगे। बहू, उदास मत हो, अभी वन्यू अपना काम खत्म करके आ जाएगा। मैं दोस्त बना रही हूँ। उनके बिना पिकनिक बड़ी बोर लग रही है। बहू, आज कितने अरसे के बाद हम एक साथ बाहर निकले हैं ना? तुम लोग यमदूत, देखिए हम चारों बहुत दुखी हैं। हमने अपने बाप की चिता जलाई है। हम लोग साला मातम मना रहे और तुम लोग यहाँ खुशियां मना रहे हो। हम अभिमन्यु को अपनों की मौत का नजारा दिखा देंगे। बुड्ढे,
उतरा उतरा सुतल भाई, ये सब क्या हो गया सुतल भाई? सुतल भाई, ये तो होना ही था जिगर, ये तो होना ही था। तेरे उसूल, तेरी ईमानदारी की शक्ल में आज इन लाशों को देख ले। मैंने इन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर रूप शंकर और उसके आदमियों ने इन्हें मौत के घाट उतार ही दिया। मैं उन्हें फांसी लगा दूंगा सुल्तान भाई, फांसी लगा दूंगा। फिर गलती कर रहा है जिगर, गलती कर रहा है। तेरी ये पुलिस की वर्दी एक चक्र क्यों है? इस चक्र में से बाहर निकल अब मन्यो। ये वर्दी पहनकर तूने सजा तो दिलवा सकता है, लेकिन उन्हें फांसी के तख्ते तक नहीं ले जा सकता। ये अंधा कानून उन्हें बचाने के लिए हजार रास्ते तलाश कर लेगा, हजार रास्ते तलाश कर लेगा। तुम्हें अपराध से लड़ना है तो वर्दी का गुलाम बनकर नहीं, सुल्तान बनकर लड़ना होगा। तुझे सुल्तान की कसम, तू सुल्तान बनकर जिएगा, तू सुल्तान बनकर जिएगा। बोल, तू बोल। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम चारों ने कंधों पर अपने पिताजी का मुर्दा उठाया है, अब तेरा मुर्दा उठाएंगे। जलाएंगे नहीं, तेरी लाश को चील कौए खाएंगे, तभी हमारे पिताजी का पिंडदान होगा। दिखाओ इसे हमारा आखिरी आइटम। रोकड़े, इसकी लाश का पता नहीं चलना चाहिए। फिकर नॉट, बिल्कुल नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर अभिमन्यु, अब जाओ काम से। खत्म, फिनिश है। सब ठीक है ना? चिंता मत कीजिए। ये वर्दी पहनकर तूने सजा तो दिलवा सकता है, लेकिन उन्हें फांसी के तख्ते तक नहीं ले जा सकता। तुम्हें अपराध से लड़ना है तो वर्दी का गुलाम बनकर नहीं, सुल्तान बनकर लड़ना होगा।
मुझे सुल्तान की कसम। तुझे सुल्तान की कसम, तू सुल्तान बनकर जिएगा, तू सुल्तान बनकर जिएगा। वजूद को हिला रहा है, क्या बिगाड़ा था मेरे छोटे भाई ने उसका? पता करो किस बिल में छुपा है वो, मैं खत्म करूंगा सुल्तान को। खेल तो अब शुरू हुआ है कुत्ते। तू तो मर गया था ना अभिमन्यु? अभिमन्यु नहीं, सुल्तान बोल सुल्तान। अभिमन्यु को तू क्या मारेगा कुत्ते? अभिमन्यु ने खुद को मारा है, अपने आप को खत्म किया है। चल सुल्तान ही सही, आज का दिन तेरी जिंदगी की आखिरी तारीख होगी। सुल्तान अपने आप में एक तारीख है। देख, मैं खुद चलकर आया हूं सर पर कफन बांधकर। अगर तू एक बाप की औलाद है तो आकर मुझे खत्म कर दे। सुल्तान, आज तू हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगा। इसी जगह पर तेरी लाश दफना कर तेरी कब्र बनाऊंगा। Yeah.
शेखू, शेखू। सर शेखू बड़ा उदास हो गया है, सुबह से उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, छत पे बैठा रो रहा है। अरे रो क्यों रहा है, खाना क्यों नहीं खाया? हराम का खाना नहीं खाऊंगा, बूट पॉलिश कर लूंगा मगर ये खाना मैं नहीं खाऊंगा। क्या हुआ? मैं यतीम हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अरे नहीं शेखू, मैं हूँ ना, तू मेरा बेटा है। मेरा बेटा नहीं हूँ। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ शेखू, तू मेरा सपना है। कैसा सपना? मुझे दूसरा सुल्तान बनाने का, मुझे सुल्तान नहीं डॉक्टर बनना है। पहले अम्मी मर गई, फिर मेरे अब्बू को मार दिया, फिर तुम्हें भी कोई मार देगा, फिर मेरा क्या होगा? मैं तो यतीम हो जाऊंगा चाचू। रो मत शेखू, तू सुल्तान भाई की अमानत है, तेरे अब्बू के बहुत एहसान है मुझ पर। अब हम यहां नहीं रहेंगे, कहीं दूर चले जाएंगे, बहुत दूर, जहां हमारी एक नई पहचान होगी। मैं मेहनत की कमाई से तेरा मुस्तकबिल लिखूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। शहर छोड़ा, पहचान छोड़ी, सुल्तान भाई की अमानत शेखू को लेकर 2 साल तक भटकता रहा। आशा मैं भूल जाना चाहता हूं मेरे पुराने वजूद को, लेकिन किस्मत मुझे हर बार मेरे गुजरे कल की दहलीज पर खड़ा कर देती है। कबीरा कबीरा, शेखू को कोई जला जला सा आदमी उठा लेके गया और तुमको माल गोदाम बुलाया है। रुको कबीरा रुको, वह तुम नहीं सुल्तान जाएगा, सुल्तान जो पापियों का सर्वनाश करने के लिए पैदा हुआ था। तुम हमारे शेखू को सही सलामत वापस लाओगे? भैया आपको यकीन है कि अभिमन्यु यहाँ पे आएगा? अभिमन्यु तो क्या, उसके फरिश्ते भी यहाँ। सुल्तान आओ, सुल्तान उर्फ अभिमन्यु उर्फ कबीरा। तुम क्या समझते थे नाम गांव पता और पहचान बदलकर तुम मेरे खौफ से बच जाओगे? Thank you.
बड़ी सोनी कुड़ी नमकीन बड़ी, आहो सोनी कुड़ी नमकीन बड़ी, नजरों से बहुत कुछ कह गई दे, मेरा छड़ के काल जा जा।